हेलो एवरीवन, डे 28 ऑफ 100 डे चैलेंज ऑफ मेकिंग डिज्नी कैरेक्टर्स एट funzilla.com. आई एम योर होस्ट दीपिका आनंद, funzilla.com. और मैं 100 डेज चैलेंज लेकर आई हूँ जो कि डिज्नी कैरेक्टर्स का है. प्रिंसेसेस बना दी हैं बहुत सारी. होपफुली आपने पीछे वाली वीडियोस देखी होंगी, बहुत अच्छी वीडियोस हैं. पीछे देखो, जाओ और देखो, और बहुत सुंदर वीडियोज़ हैं. मैंने लिंक शेयर किए हुए हैं, तो आप मेरे लिंक्स को क्या कर सकते हो, लिंक्स को फॉलो कर सकते हो, है क्या? ओके. और मैं अभी प्रिंस चल रहे हैं, तो देयर आर सो मैनी प्रिंस. मैंने 4-5 प्रिंस बना दिए हैं, और आज भी मैंने प्रिंस बनाया है जो कि जिसका नाम है नवीन. प्रिंस नवीन, नवीन जिसको. अच्छा मुझे बताओ, प्रिंस नवीन कौन सी पिक्चर से बिलोंग करते हैं? बताओ. प्रिंस नवीन, नवीन जो है वो है, कौन है, कौन है नवीन? नवीन है द फ्रॉग प्रिंस, ठीक है. और उसकी जो प्रिंसेस है, उसकी जो वाइफ है, वो है प्रिंसेस टियाना. तो मैंने टियाना पहले भी बनाई थी ना, टियाना बना के उसके हाथ में फ्रॉग पड़े हुए हैं, है ना, है ना, है ना. सो प्रिंस नवीन इसकी शक्ल देख के भी ऐसा लग रहा है जैसे फ्रॉग जैसी शक्ल है. पिछली वाली टियाना वाली देखना, देखना उसको, बड़ी सुंदर है वो भी. सो देखो ज़रा कितना सुंदर बना हुआ है. इसको बनाने में बहुत टाइम लग गया, स्केचिंग में बहुत टाइम लग गया. जब आप छोटा सा स्केच करते हो, वो भी A5 शीट के ऊपर ना, बहुत टाइम लग जाता है उसको. मतलब इतना टाइम लगता है ना उसको बनाने में, ना स्केचिंग में. और फेस भी अच्छे से नहीं बन रहा था, तो फिर मेरे को उसको बाहर, मतलब अभी अभी जो फेस दिख रहा है ना आपको, देखना इतना अच्छा नहीं दिख रहा. तो अभी मैंने इसको पेन के साथ मार्क कर दिया है. इसको मुझे फिर से ठीक करना पड़ा, ठीक है. इसको मतलब मुझे ठीक करना पड़ा, फेस अच्छा नहीं बना था, तो उसको स्केचिंग ठीक करके मैंने उसको वो किया. क्या किया मैंने इसको, मैं उसको क्या करती हूँ, मैंने इसको पेन के साथ आउटलाइनिंग कर दी. और अभी मैं वाटर पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, वाटर पेंसिल कलर, पेंसिल वाटर कलर, वाटर कलर, कौन सा वाटर कलर, पेंसिल वाटर कलर. ग्रीन कलर यूज़ किया मैंने, लाइट ग्रीन कलर टियाना की ड्रेस के ऊपर, एंड थोड़ा लिटल लाइट ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर, ब्लू ब्लू कलर. और ये दोनों थोड़े से, क्योंकि ये अफ्रीका के हैं, तो ये थोड़े से डस्की कलर के, इसलिए मैंने इनकी शक्ल पे मैंने ब्राउन कलर किया है. तो अभी वाटर कलर की बारी आ गई है ना. देखो ज़रा वाटर कलर, खूबसूरत सुंदर सा वाटर कलर, प्यारा सा वाटर कलर. और मुझे बताओ कैसा लगता है आपको वाटर कलर के साथ काम करना, आपको पसंद है? पेंसिल वाटर कलर के साथ काम करना बहुत मज़ेदार होता है. जब उसको आप वाटर कलर करते हो तो कलर जब डिल्यूट हो जाता है, डिल्यूट मतलब पानी के साथ करके ऐसा मिक्स होता है, तो वो शेप भी देता है, ऐसे वाइट सरफेस दिखना बंद हो जाती है. मतलब बड़ी सेटिस्फेक्शन सी होती है उसको बनाने में. पता है मेरा माइक ख़राब हो गया, सस्ते माइक ख़राब हो जाते हैं. मेरी दुख परी का भाई, जब मैंने माइक का एक वो भी दिया हुआ है अनबॉक्सिंग, छोटा सा मेरी माइक में ऑर्डर किया था उसके साथ, बस कितने दिन ना, आज 28 परसों ख़राब हो गया. खींच के 28-25 दिन भी नहीं चला, और तब तक तो उसकी वो भी निकल जाती है, डेट भी निकल जाती है, क्या फ़ायदा. और ऊपर से 5 समथिंग का लिया था मैंने, 500 समथिंग, 50 समथिंग का लिया था. मेरे को बड़ा गुस्सा चढ़ रहा है. पर अभी देखो, अभी मुझे रिकॉर्डिंग के लिए मुझे ओपन वॉइस यूज़ करनी पड़ रही है. मैंने ना वो पहना हुआ है, एयरपॉड पहने हुए हैं, आई डोंट नो कि वॉइस कैसी आ रही है. ऊपर से पंखा भी चल रहा है, 29 में भी पंखे की आवाज़ भी आ रही होती है. सो चलो अब क्या कर सकते हैं. तो हमारी नवीन की ड्रेस ग्रीन, कुछ ग्रीनिश कलर की ड्रेस पहनी हुई है उसने. जो एग्जैक्टली पिक्चर में जो कलर था वो इसको थोड़ा सा लाइट ग्रीनिश है, तो मेरे को थोड़ा सा डार्क डार्क दिया, मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे ऐसा ही कलर अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं तो सेम टू सेम बनाने की कोशिश नहीं करती कभी भी.
होती है ना, मुझे जो अच्छा लगता है ना, जो मेरे पास अवेलेबल होता है, मैं उसके साथ वही चीज़ बनाने की कोशिश करती हूँ। और मैं आपको भी यही सलाह दूँगी जो आपके पास है, अगर आप फाइन आर्ट के स्टूडेंट नहीं हैं तो ठीक है, अगर आपने सेम टू सेम चीज़ें नहीं बनानी है, अगर आप अपनी क्रिएटिविटी से खुश हो जाते हो, अपनी क्रिएशन से खुश होते हो, तो आप अपना दिमाग लगा के कुछ और भी यूज़ कर सकते हो। जरूरी थोड़ी ना कि सेम टू सेम बनाना, मेरे पास जो अवेलेबल है मैं उसी को ही यूज़ करके वही बनाती हूँ। तो मेरे पास जो कलर अवेलेबल थे मैंने वही कलर इस्तेमाल करके उसको बनाने की कोशिश की है। और आई डोंट थिंक कि बुरा बना, नवीना तियाना बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, है ना। आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ भी देखी हुई एंड काफ़ी अच्छी पिक्चर्स बनी हुई हैं। हम सिंपल से वाटर, मैं कैमल के वाटर कलर यूज़ करती हूँ, और मेरे पास एक फाइबर गार्सल की वाटर कलर पेंसिल है। इसकी ड्रेस के ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन था तो मैंने सोचा कोई सिंगल लाइट कलर यूज़ कर किया मैंने। और नीचे जो है ना इसके ऊपर, जैसे इसकी ड्रेस पता कैसी है टियाना की, जैसे फ्लोरल ड्रेस नहीं होती, जैसे पेटल की फूल खिला होता है नीचे से, ऐसे खिला हुआ फूल के जैसी ड्रेस है उसकी, है ना, इतनी सुंदर ड्रेस है ना। ऐसे तो मैंने सिर्फ प्रिंट्स अकेला बनाना था, तो ये दोनों पिक्चर जो थी मैं फिर मैंने तो वो ही बना दिया, कपल ही बना दिया। मतलब लास्ट कल भी मैंने कपल ही बनाया था ना, परसों भी कपल बनाया था, क्योंकि सिंगल लड़कों की पिक्चर्स जी थी ना उनको ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही थी मेरे को। स्टार्टिंग में मैंने जो जब मैंने स्टार्ट किया था 100 डेज चैलेंज, तो मैंने 3 दिन तक पोर्ट्रेट बनाए थे मैंने, है ना, बेला का, एल्सा का, स्नो वाइट का। फिर 4th डे पे मैंने एगल बनाई थी, जो कि वो था क्या बोलते हैं उसको, वट इज़ दैट, मैं भूल जाती हूँ यार, पासपोर्ट साइज, मतलब फेस ज़्यादा दिखता है कमर तक, या फिर मतलब चेस्ट तक पिक्चर होती है, फेस बड़ा बड़ा दिखता है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, फटाफट मैंने डाल दिया है इस पर, बेल आइकन पे क्लिक कर दो नेक्स्ट वीडियो के लिए, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन जाती रहे, है ना। तो हाँ मैं क्या बोल रही थी, फिर मैंने ना वो पासपोर्ट साइज ही बनाना शुरू कर दिया। अभी क्या चल रहा है, अभी मैं पेंसिल कलर यूज़ कर रही हूँ मेरी पिक्चर्स के ऊपर, है ना। तो पेंसिल कलर से कलर आ जाता है वाटर कलर के ऊपर, अपनी मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो मैं ऐसे ही करती हूँ, अच्छा लगता है वाटर कलर के ऊपर। जब आप पेंसिल कलर यूज़ करते हो तो बहुत सुंदर लगता है ना। तो ऑलमोस्ट प्रोसेस ख़त्म हो गया है, होपफुली यू लाइक द वीडियो। सो कलरिंग प्रोसेस बहुत मज़ेदार होता है, जब आप कोई चीज़ ड्रॉ करते हो उसके ऊपर कलर करते हो, कलरिंग प्रोसेस बहुत बहुत मज़ेदार होता है। और मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है, दोनों के दोनों टियाना है ये हमारे नवी पेंसिल भी है, और ऊपर से मैं ग्लिटर का इस्तेमाल करती हूँ, बाद में मैं ग्लिटर्स का इस्तेमाल करती हूँ। ये दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं, ग्लिटर से शाइन आ जाती है ड्रेसेस पर, है ना। और वाइट कलर मैंने इसकी ड्रेस के ऊपर ना वाइट कलर की वो थी शाइन थी, तो मैंने वाइट कलर का यूज़ किया है। आप चाहो तो बाद में वो कर देना यूज़ मेरे साथ, अगर आपके पास वाइट पेन लेना है तो आपके पास वो जो वो नहीं होता यार वाइटनर होता है ना, वाइटनर उसका इस्तेमाल कर लो, तो आपकी ड्रेसेस पर शाइन आ जाती है, राइट। तो मैंने सारा ग्लिटर जो है वो मेरे पास अलग अलग कलर के ग्लिटर पेन है, तो मैंने हर एक कलर के ऊपर सेम कलर का ग्लिटर पेन की आउटलाइनिंग दी है, मैंने ब्लैक आउटलाइनिंग दी है। नवीन की डिम्पल भी पड़ा हुआ उसके गालों पर, एंड क्या ना मुझे सच्ची में बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे सच्ची में ये पिक्चर बहुत बहुत अच्छी लग रही है। सो क्या करेंगे आप, जल्दी से लाइक शेयर हो सब्सक्राइब कर दीजिए, हाँ ओके, और क्या करेंगे, शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल।